और हमारे दो बुजुर्गों का चरित्र आपने देख ही लिया है और इन्होंने जिस भाषा में बात करी, जो इनकी संगति थी, स्त्री पुरुष के सौंदर्य के विषय में बात कर रहे थे कि प्रभावित ही होता है पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने सौंदर्य का तिरस्कार भी किया है। भाई सौंदर्य है, अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सौंदर्य हमको इतना प्रभावित कर दे कि हम अपनी मर्यादा भूल जाए। क्या बात है। और आपके पास सौंदर्य है तो सौंदर्य की कीमत तब तक है जब तक हमारी आंखें हैं। हाँ, सही बात है। सौंदर्य बहुत अच्छा है, हम नहीं देखेंगे हमारा क्या कर लेगा कोई। सही बात है। तो बात ये है भाई, हम 5 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गजल। और जो बातें होती रहती, तमाम स्त्रियां देखा मैंने अखबारों में कि फला पुरुष हमको घूर रहा था, हमको घूर रहा था, तो अगर ना घूरे तो सौंदर्य की कीमत क्या रह जाएगी। कोई स्त्री ये बताने जाए किसी थाने में, पुलिस से कहने जाए कि फला पुरुष मुझे 5 मिनट तक घूर रहा था, तो इसका मतलब वह भी उसको घूर रही थी, नहीं तो इसको पता कैसे चला कि वो उसको घूर रही थी। वाह। लेकिन सारे अपराध हमारे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, तो मैं पुरुषों के सम्मान के लिए लड़ता हूँ। तमाम स्त्रियाँ हुई सर, आज तक कवियत्रियाँ हुई, किसी ने पुरुष के सौंदर्य में टेढ़ी मेढ़ी उपमा भी नहीं दी कि हमारे पति की या प्रेमी की मूछें झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। हमने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा हम कवियों ने। हो तो जब किसी कवियत्री नहीं तो ऐसे थोबड़ों को चंद्रमा लिखा, चंद्रमा लिखे गिर पड़े। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने देखे, सुंदर हम भी हैं, हम भी बहुत देखे जाते हैं, बहुत स्त्रियां लड़कियां हमको देखती हैं, लेकिन हम घमंड नहीं करते खूबसूरती का। जबकि हम जानते हैं कि हम सुंदर हैं। डगर डगर कदम कदम पे रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब। थोड़े जिधर देखो उधर आंखें हमारी घूम जाती इनकी तरह। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। क्या बात है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक कितना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। लखनवी नवाब है। अब कहते हैं इन नारियों का सम्मान करो, कितना सम्मान करें। नौ दुर्गा का हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, नौ रात्रि हम व्रत रहते हैं, हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ाते हैं। तो हम तो उस देश में रहते जहाँ नारी को देवी माना जाता है, तो पुरुष को भी देवता माना जाना चाहिए। हमारा बस केवल इतना कहना है कि वो नौ युगीन देवियों मुझे भी मानो देवता। वो नौ युगीन देवियों मुझे भी मानो देवता, मुझे भी मानो देवता, भटक रही वो चिट्ठियों तुम्हारा मैं ही हूँ पता। आए, 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 भटक रही है चिट्ठियों तुम्हारा मैं ही हूँ पता। जो पुरुषों की दृष्टि के विषय में बात करती हैं, आलोचनाएं करती हैं, मैं उनसे कहता हूँ भटक रही वो चिट्ठियों तुम्हारा मैं ही हूँ पता, न तर्क में गढ़ो मुझे, जो पढ़ सको पढ़ो मुझे, उसी का आवरण हूँ जिस गजल की तू किताब है। ये दिल मेरा भी कम नहीं है लखनवी नवाब है। अपनी पे आ गए तो खूबसूरत हम बहुत हैं, ये बात हम जानते हैं और हम ही कहते भी हैं, लेकिन अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। आए, आए। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी, उतरी फिरेगी नहीं पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी, आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया गजल।
सब जगह लिखा जाता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हम कहते ठीक है बेटी बचाओ, 10,000 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2-4 जगह लिख दो बेटे बचाओ, अन्यथा नामीबिया से फिर बेटे भी लाने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लटूरी लट्ठे जी ने कहा कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो। तो हमने कहा देखिए पुरुष और स्त्री दोनों का समाज में होना जरूरी है, इसलिए कि दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, दर्द हमने दिया है दवा हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। ऊकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, कौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। जानना ही चाहती हो जान लो कि जान हूँ मैं, जान बूझ कर अनजान ना बना करो, मानो या न मानो आज हूँ तुम्हारा मेहमान, मान दो न दो परंतु अपमान ना करो। ठोकर लगानी थी लगा चुकी हो जीवन में, चोट कितनी लगी है अनुमान ना करो, और प्यार से तुम्हें जो देखना भी देखना न लगे, लगे एहसान तो ये एहसान ना करो। शुद्ध विचार है, वाह। हमारे गांव के लोग कितने सरल होते हैं सर, इसमें एक ठाके का प्रयास है जी, बस उस ठाके के प्रयास को देखिएगा। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। हल जोतते हैं और बैल हाँकते हैं, किंतु खेत में किसान सदा सीधा कूड़ लेते हैं। मान अपमान का रखते हमेशा ध्यान, श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तु सूंढ लेते हैं। श्रद्धा से मिले नहीं तो सत्तु सूंढ लेते हैं। गंगा नहाने जाए हरिद्वार काशी मध्य, बिना उस तरह के उन्हें पंडे मूड़ लेते हैं। और अजनबी शहर में किसी की बारात जाए, पीने वाले वाजा के भी ठेका ढूंढ लेते हैं। इस एंड्रॉइड मोबाइल ने हमारी भाषा का बहुत नुकसान किया है जी, भाषा का बहुत नुकसान किया, बच्चों के ऊपर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक ठाका आपको सौंप करके, समय की मर्यादा का ध्यान है, एक ठाका आपको सौंपना चाहता हूँ। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा बोला, पापा जी मेरे स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है स्कूल में। ये भाषा का प्रभाव जा रहा है, ये भाषा का नहीं, ये बाप का प्रभाव है। 5-6 साल का लड़का कह रहा है कि स्कूल में नई मैडम है, ये बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। मैंने कहा चुप, टीचर माँ के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। कर रहे थे कि जब बच्चे ने कहा कि टीचर बड़ी हॉट है, तो मुझे आसान एक बात याद आ कि सचमुच स्थितियां बिगड़ गई हैं। भाषा तो बिगड़ गई है, भाषा नहीं है, हमारी संस्कृति बिगड़ रही है। तो मुझे याद आता है एक स्कूल में ऐसे 4th-5th क्लास की थी, और ऐसी टीचर ने बच्चों को कहा कि बेटा आज तुम्हें इंग्लिश में निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, मुझ पर लिखना है, मुझ पर इंग्लिश में ऐसे लिखना है। सब ने लिखना शुरू कर दिया, 1.5 मिनट बाद ही एक बच्चा खड़ा हुआ, मैडम चिकनी चमेली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसी दिन समझ में आ गया कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी संस्कृति का रूप किस तरह से बदल रहा है। ये भाषा नहीं बदल रही, ये भविष्य की आशा बदल रही है, और इसे बचाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गजेंद्र, वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया गजेंद्र। मैं खो गया था जब तुम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ते हो यार गजेंद्र, मजा आ जाता है तुम्हें सुन के। मुझे जी करता है कि मैं इस एपिसोड के बाद तुम्हें घर ले जाऊं और बैठकर सुनूं, ये बहुत मेरा जी करता है। अच्छी कविताएं जब सुनता हूं और अच्छे लोगों को सुनता हूं तो मेरा मन करता है। तुमने कहा था कि पुरुषों को भी देवता माना जाना चाहिए, एक बार ऐसा तय हुआ था कि इनको भी देवता माना जाना चाहिए, फिर उनकी निगाह धुआंधार और लटूरी पे पड़ गई।